कंटिन्यू करते हैं एडियम्स एंड फ्रेजेज। ए स्वैन सॉन्ग का मतलब होता है अंतिम कृति, एनी फाइनल वर्क और अकॉम्पलिशमेंट। कोई भी अंतिम कृति या कोई भी महत्वपूर्ण काम जो मरने से पहले किया जाए, लास्ट कृति। अब ये देखिए चार ऑप्शन है यहाँ पर, मेलोडियस सॉन्ग नहीं होगा, डिसहारमोनियस डिस्प्ले ये भी सही नहीं है, कॉन्कॉक्टेड टेल ये भी नहीं है, अटरेंस स्टेटमेंट मेड जस्ट बिफोर डेथ, मरने से पहले जो स्टेटमेंट दिया गया है या जो उसने वक्तव्य दिया है, डैट इज ए स्वैन सॉन्ग। तो आंसर होगा आपका सी, ए स्वैन सॉन्ग का मतलब अंतिम कृति या अटरेंस स्टेटमेंट मेड जस्ट बिफोर डेथ। नेक्स्ट वन इज ए वाइट एलिफेंट। ए वाइट एलिफेंट का अर्थ होता है व्यर्थ की चीज़ जो बहुत खर्च कराए, जिसको रखने में बहुत खर्च होता हो। वाइट एलिफेंट रेफर्स टू एन एक्स्ट्रा वैगन इम्प्रैक्टिकल गिफ्ट डैट कांट बी इजिली डिस्पोज्ड ऑफ, जिसको रखना संभालना आसान काम नहीं है। तो एक वाइट एलिफेंट का देखिए ऑप्शन, प्रेशियस थिंग, अनकॉमन इवेंट नहीं होगा, अनप्रॉफिटेबल पोजिशन या रेयर फिनोमिनन, यहाँ होगा अनप्रॉफिटेबल पोजिशन, एक ऐसा काम जो जिसमें प्रॉफिट नहीं हो, जिसमें नुकसान ही नुकसान हो, तो होगा ये वाइट एलिफेंट। नेक्स्ट वन इज नीट वंस ब्रोज का अर्थ होता है भौएं चढ़ाना, भौएं तरेरना। टू मूव द आईब्रोज टुगेदर इन ए वे डैट शोज वन इज थिंकिंग अबाउट समथिंग और इज वरीड एंग्री इटीसी, गुस्सा से भौं तरेरना, भौएं चढ़ाना। नीट वंस ब्रोज ऑप्शन देखिए, टू डिसअपॉइंट समबडी, टू फ्रॉन, टू हैव ए हेडेक, टू एक्सप्रेस डिसकंटेनमेंट, क्या होगा, टू एक्सप्रेस डिसकंटेनमेंट, असंतोष व्यक्त करना। असंतोष कैसे व्यक्त करते हैं, भौएं चढ़ाकर, भौएं तैर कर। टू डिसअपॉइंट समबडी ये नहीं होगा, टू फ्रॉन भी नहीं है, टू हैव ए हेडेक ये भी नहीं होगा, तो होगा टू एक्सप्रेस डिसकंटेनमेंट। नेक्स्ट वन इज टू प्लाउ द सैंड का मतलब होता है बेकार का काम, डूइंग दैट सिम्स इम्पॉसिबल ए फ्यूटाइल, बेकार का काम करना। टू प्लाउ द सैंड देखिए ऑप्शन, जैसे ही इज प्लाउइंग द सैंड बाई ट्राइंग टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, टू बी एक्सट्रीमली अकम्पलिश्ड, टू बी रिसोर्सफुल, टू बी डिजेक्टेड, टू बिजी वन सेल्फ इन एन अनप्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन, यही होगा अपने आप को ऐसे काम में लगाना जिसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो, कोई फ़ायदा नहीं हो। तो आंसर होगा आपका डी, बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। तो टू प्लाउ द सैंड का मतलब बेकार का काम। टू रीप ऑफ ओल्ड सोर्स का मतलब होता है पुनः झगड़ा करना, पुनः कलह पैदा करना। प्रैक्टिकली टू रिवाइव ए क्वेरल, झगड़ा को पुनर्जीवित करना। विच वॉज ऑलमोस्ट फॉरगेटेन, जो कि भुला दिया गया था। टू राइड विथ फ्यूरियस स्पीड का मतलब होता है कि घुड़सवारी करना, तेज़ी से घुड़सवारी करना, ये भी अर्थ आ रहा है, पुनः झगड़ा करना भी आ रहा है। और प्रैक्टिकली एबसेंस फ्रॉम विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के जाना। अब आपको देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, टू रीप अप ओल्ड सोर्स, टू डिस्ट्रॉय समथिंग नष्ट करना, टू एक्ट क्रुएली निर्दयतापूर्वक करना, टू रीओपन ए क्वारल झगड़ा को पुनः ओपन करना, टू इन्फ्लिक्ट पेन ऑन समवन। तो मैंने बताया था टू रीप अप ओल्ड सोर्स का मतलब होता है पुनः झगड़ा करना, तो होगा टू रीओपन ए क्वारल, बाकी ए बी और डी गलत। सही होगा टू रीओपन ए क्वारल। नेक्स्ट है टू रेट साउंडली का अर्थ होता है कड़ी निंदा करना, टू सेंसर स्ट्रांगली। आइए देखते हैं टू रेट साउंडली से मिलता जुलता इसका अर्थ क्या है, टू सेंसर स्ट्रांगली। देखिए पहला ऑप्शन ही आपका सही है, टू सेंसर स्ट्रांगली कड़ी निंदा करना। 17 में है टू रन इन द सेम ग्रुप का अर्थ होता है टू मेंटेन रिलेशन इन गुड स्पिरिट, टू मूव इन हारमोनी, संबंधों को उत्तम भावना से बरकरार रखना, संबंध को बचाए रखना, अच्छी भावना रखना, अच्छी भावना से संबंध को बचाकर रखना, अच्छी भावना से संबंध को निभाना। टू रन इन द सेम ग्रुप, टू मेंटेन रिलेशन इन गुड स्पिरिट, टू मूव इन हारमोनी। आइए ऑप्शन से चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है टू हैव ए प्लीजेंट टाइम, क्या है, टू हैव ए प्लीजेंट टाइम, टू रन अवे फ्रॉम समबडी, टू बी इन द सेम सिचुएशन, टू एडवांस इन हारमोनी। जैसा मैंने बताया था
टू रन इन द सेम ग्रुप का मतलब होता है संबंधों को उत्तम भावना से बरकरार रखना, टू मूव इन हारमोनी, तो टू एडवांस इन हारमोनी इससे मिलता जुलता है। बाकी टू हैव ए प्लेजेंट टाइम नहीं होगा, टू रन अवे फ्रॉम समबडी नो, टू इन सेम सिचुएशन नहीं, तो होगा टू एडवांस इन हारमोनी, अच्छे संबंध से उत्तम भावना से संबंध को बनाए रखना, आगे बढ़ना। नेक्स्ट वन इज टू बी नो चिकन, टू बी नो चिकन, टू बी नो चिकन का मतलब होता है कि अब वह उतना ऊर्जावान नहीं रह गया है, पहले की तरह एनर्जी नहीं रह गई है, उतना एनर्जी नहीं है, ऊर्जावान नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है। टू बी नो चिकन, पहला है टू बी ब्रेव, बहादुर होना, नहीं। टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना। टू बी नो लॉन्गर यंग, अब पहले की तरह जवान नहीं है, तो आंसर होगा आपका सी। टू बी नो लॉन्गर यंग, टू बी चाइल्डिश भी नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट नहीं, टू बी ब्रेव नहीं, तो होगा आंसर टू बी नो लॉन्गर यंग। 19 पर आइए, टू टेक टू वंस बेड, टू टेक टू वंस बेड का अर्थ होता है बेड पर पड़े रहना, बीमारी के चलते बेड पर पड़े रहना, स्टे इन बेड ड्यू टू इलनेस। आई टुक टू बेड विद द कोरोना फॉर द वीकेंड, सो आई मिस्ड आउट ऑल द पिकनिक ऑन दैट डे। स्टे इन बेड ड्यू टू इलनेस, बीमारी के चलते बेड पर पड़े रहना। इसमें है टू बी वेरी अटैच टू, टू टेक टू वंस बेड का देखिए, टू बी वेरी अटैच टू वंस बिलोंगिंग, टू लाई इन बेड ड्यू टू इलनेस, आंसर होगा बी, टू लाई इन बेड ड्यू टू इलनेस, बेड पर पड़े रहना। 20 में है टू स्टैंड ऑन सेरेमनी, टू स्टैंड ऑन सेरेमनी का अर्थ होता है औपचारिकता से पेश आना, फॉर्मेलिटीज के साथ में पेश आना। ऑल द पिकन इंसिस्ट ऑन ऑब्जर्वेंस ऑफ फॉर्मेलिटीज, फॉर्मेलिटीज पर टिके रहना, औपचारिकता से प्रकट होना, औपचारिकता से बात करना। टू स्टैंड ऑन सेरेमनी, टू इंसिस्ट ऑन डूइंग द थिंग डैट आर यूजुअल और एक्सपेक्टेड इन पोलाइट और फॉर्मल बिहेवियर। आइए 10 का देखते हैं, टू स्टैंड ऑन सेरेमनी, टू सेलिब्रेट एन ओकेजन इन ए ग्रैंड वे, टू बी एक्स्ट्रावेगेंट, टू गेट मैरिड, टू ट्रीट विद कोल्ड रिजिड सिविलिटी। क्या होगा इसमें औपचारिकता से पेश आना, टू सेलिब्रेट एन ओकेजन इन ए ग्रैंड वे ये नहीं होगा, टू बी एक्स्ट्रावेगेंट ये भी नहीं होगा, टू गेट मैरिड ये भी नहीं होगा, तो होगा टू ट्रीट विद कोल्ड रिजिड सिविलिटी, औपचारिकता, सिविलिटी मतलब औपचारिकता से पेश आना। टू स्टैंड ऑन सेरेमनी, टू बी एट सिक्सेस एंड सेवन, टू बी एंड सिक्सेस एंड सेवन का मतलब होता है परेशानी में, क्या होता है टू बी एंड सिक्सेस एंड सेवन परेशानी में, तो परेशानी में देख लीजिए कौन सा होगा, जैसे टू डिस्क्राइब ए कंडीशन ऑफ कंफ्यूजन और डिसएग्री, डिसएरे, टू बी अनडिसाइडेड, टू बी अनडिसाइडेड पहला ऑप्शन ही आपका सही है, टू बी अनडिसाइडेड। नेक्स्ट वन इज टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस का अर्थ होता है टू ब्रेक द ऑकवर्ड साइलेंस, एक जो ऑकवर्ड साइलेंस बना हुआ था उसको खत्म करना, ब्रेक करना। टू ब्रेक डाउन ए सोशल स्टिफनेस इन ऑर्डर फॉर थिंग्स टू बी मोर कम्फर्टेबल, जो सामाजिक जो स्टिफनेस है सामाजिक ढांचा में जो एक उसको दूर करना, उसको ज़्यादा कंफर्टेबल बनाना, सामाजिक वैमनस्यता को दूर करना, दैट इज टू ब्रेक द आइस, दुश्मनी को खत्म करना, या टू ब्रेक द ऑकवर्ड साइलेंस, तो टू ब्रेक द ऑकवर्ड साइलेंस इज द करेक्ट आंसर होगा टू ब्रेक द आइस का। आवर ट्रांजेटलेंटिक कजन्स, आवर ट्रांजेटलेंटिक कजन्स का अर्थ होता है ट्रांजेटलेंटिक इज यूज टू रेफर टू समथिंग दैट हैपेंस एग्जिस्ट और बिगिंस इन द यूनाइटेड स्टेट, जनरली ब्रिटिश लोगों के द्वारा यूज किया जाता है और प्रयोग करते हैं कि जो अमेरिका में जो कुछ घटनाएं घटती हैं वहाँ के लिए, अमेरिका में होता है, अमेरिका में घटना घटता है, वहाँ से बात होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलैंटिक कजन। क्या बोलते हैं ट्रांसलैंटिक कजन, वही देखते हैं फॉरेन रिलेटिव, नो फ्रेंडली नेवर, नो यूज्ड बाय ब्रिटिश फॉर अमेरिकन, सही होगा ये भी नहीं होगा। बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस, बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस का मतलब होता है पीछे की ताकत, पीछे से प्रभाव, अदृश्य शक्ति का प्रभाव, इन्फ्लुएंस फ्रॉम एन इग्नोबल सोर्स, टाइपिकली वन डैट इज सीक्रेट, गुप्त रूप से जो पीछे से प्रभाव हो उसको बोलते हैं बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस एग्जर्टेड सीक्रेटली, गुप्त रूप से दिया गया प्रभाव। हाउ ही पोस्टेड टू हिज प्लेस, आई थिंक दिस इज इफेक्ट ऑफ बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, उसका आंसर होगा बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस का, वन हु इज इजिली इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंशियल पर्सन, इन्फ्लुएंस एग्जर्टेड सीक्रेटली, सीम होगा, जो इन्फ्लुएंस गुप्त रूप से किया जाए उसको बोलते हैं बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। How he posted to his place, I think this is the effect of backstairs influence.